जेईई मेन अप्रैल 2023 के नतीजे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किए हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजे, कोटा के 3 छात्रों ने टॉप 5 में से 3 रैंक पर कब्जा किया है। आपको बताएं कि 300 में से 300 स्कोर अंक प्राप्त करते हुए श्रीकांत वैरागड़े ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की है। मलय केडिया को भी 300 में से 300 अंक के साथ मिली है ऑल इंडिया रैंक 4। आपको बताएं कि कौशल विजयवर्गीय ने भी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 5 की हासिल की है। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। भंवर, क्योंकि नतीजे तो जारी कर दिए गए हैं जेईई मेन अप्रैल 2023 के, कोटा का प्रदर्शन कैसा रहा है, हर बार की तरह रहा है या फिर कुछ खास? देखिए, टॉप 50 और टॉप 100 इन दो तरह की सूचियों में कोटा का दबदबा है, लेकिन टॉप 5 में 3 रैंकिंग हासिल करने का दावा किया है कोटा के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट एलन ने। और इसके बाद से कोटा में जो नतीजे आ रहे हैं उसके आधार पे कोचिंग सेक्टर्स में, कोचिंग एरियाज में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। देखिए, 6 से 15 अप्रैल तक ये पूरी परीक्षा आयोजित हुई थी और देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा इसे माना जाता है। इसमें 9,40,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, 12 शिफ्टों में ये परीक्षा संपन्न हुई थी। एनटीए ने इसी हफ्ते इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और जिस तरह से आपत्तियां उस पर प्राप्त हुई थी उसको देखते हुए कुल मिलाकर के 27 जवाबों में बदलाव भी किया गया था, कुछ में आंशिक और कुछ में कुछ प्रश्नों को पूरी तरह से बदला गया, कुछ में बोनस अंक भी दिए गए। इसके बाद ये फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट आज जारी किए गए हैं और इन रिजल्ट्स के आधार पर फिलहाल ये दावा किया जा रहा है कोचिंग सिटी कोटा से कि कोटा कोचिंग ने एक बार फिर से इन परिणामों के साथ अपना परचम लहराया है और टॉप 5 में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एलन कोचिंग संस्थान का दावा है कि उसके क्लासरूम स्टूडेंट है और उन्होंने 100% यानी 300 में से 300 अंक हासिल करते हुए और टॉप 5 में से 3 रैंक पर कब्जा जमाया है। जी बिल्कुल भंवर, और अगर टॉप 5 में से 3 रैंक पर कब्जा जमा लिया है ऐसा दावा किया जा रहा है तो भंवर फिर वहां तो जश्न का माहौल होगा फिर? देखिए, अभी 9 से 12 तक एक टेस्ट हो रहा है, जैसे ये टेस्ट खत्म होगा इसके बाद कोटा में निश्चित रूप से इन परिणामों पर जश्न होगा। फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुंह उठा करके बधाई दी जा रही है, उनके परिजनों को लगातार कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है और पूरा का पूरा जो कोचिंग एरिया है वहाँ जश्न की तैयारियां हो रही है। 12 बजे के बाद इस जश्न की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इन परिणामों के बाद कोटा कोचिंग फील गुड का एहसास कर रही है और एक बार फिर से कोटा कोचिंग ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन के साथ अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। बिल्कुल भंवर, और हंसते और खिलखिलाते चेहरे ये बयां भी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।